जिला चंबा में हुए निर्मम हत्याकांड मामले में निष्पक्ष जांच ना होने को लेकर जिला मुख्यालय धर्मशाला में जिला कांगड़ा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग उठाई गई। ये जो चंबा जिला में एक मनोहर लाल की हत्या हो गई है और उसके 8 टुकड़े करके एक बोरी में भर के एक नदी में फेंका गया, ये एक साजिश है। और पिछले कल ही हमारे माननीय इस प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी कल उनके परिवारजनों से मिलने उनके घर जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में ही इस प्रदेश सरकार ने इस हिमाचल प्रदेश की पुलिस से नाका लगवा के और उनको वहाँ पे जाना नहीं दिया गया और वो वहीं बैठ गए। उनके जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो खुद तो गए नहीं, लेकिन इस प्रदेश के प्रतिपक्ष नेता और इस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जो वहाँ जाना चाहते थे उनको भी रोक दिया गया। उन उस जो जिस परिवार के एक बच्चे की मृत्यु हो गई है, एक हत्या कर दी गई है, उसके 8 टुकड़े कर दिए, बहुत निंदनीय है। उसी विषय में आज पूरे प्रदेश भर में जो धरना प्रदर्शन पूरे 12 जिलों में किया जा रहा है, उसके अंतर्गत ही ये धर्मशाला में भी ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि जो मुख्य आरोपी है उसको सजा मिले और उसको जल्द से जल्द 10 लाख के अंदर डाला जाए। और दूसरा, उन्होंने जितनी अनगिनत प्रॉपर्टियाँ जो है वो बना ली हुई है, मुझे लगता है 2 करोड़ रुपया तो उसके खाते में ही मिला है और 94 लाख रुपया ऐसे सुनने में आया कि 2000 के नोट उन्होंने बदलाए हैं, तो मुझे लगता है उनका कुछ लेन देन आतंकवादियों के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि NI से उसकी जाँच की जाए। हिमाचल पुलिस में हमें भरोसा है लेकिन इस सरकार में हमें भरोसा नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि उस तरीके से NI से जाँच। देखिए, ये सरकार मुझे लगता नहीं कैसे चल रही है। पिछले 6 महीने से जो गारंटी है वो पूरी नहीं कर पा रही है। कुछ अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में हो जाता है तो उसके मंत्री से पूछा जाता है कि सर ये जो है आउटसोर्स वाले निकाल दिए, वो कहते हैं मुझे पता नहीं। कल यहाँ चंद्र कुमार जी आए थे और आप लोगों ने, मेरे मीडिया के साथियों ने एक क्वेश्चन पूछा कि वो एक हत्या हो गई है, एक मनमंड हत्याकांड हो गया है, तो वो कहते हैं कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है। एक मंत्री 3 दिन से सारा हंगामा हो रहा है, कल नेता प्रतिपक्ष और हिमाचल प्रदेश के माननीय अध्यक्ष गए और पूरे प्रदेश में हाहाकार हो रहा है, आगजनी हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं और एक मंत्री को नहीं पता इस प्रदेश में क्या हो रहा है, ये कैसी सरकार चल रही है। मुझे लगता है ये सरकार नहीं है, ऐशपरस्ती के लिए सरकार आई हुई है, अपने लोगों को चेयरमैन बनाई जा रही है, CPS बनाए जा रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि इस प्रदेश के लोगों के लिए वो ध्यान कर रही है। आज जिला कांगड़ा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता DC ऑफिस के अंदर आया है, जो हाल ही में जिला चंबा के अंदर एक निर्मम हत्या हुई, उस हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुटता के साथ उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है, जिस पीड़ित परिवार का सदस्य एक युवा साथी जो है जिसकी निर्मम हत्या की गई। आप कल्पना करिए कि उस माँ के ऊपर क्या पीड़ा चल रही होगी, जिस माँ ने अपने नौजवान बेटे के शरीर को 8 हिस्सों में देखा होगा, 8 टुकड़ों में देखा होगा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुए, ना तो प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस विषय के ऊपर कोई बोल रहे हैं, ना ही उनके सरकार से कोई मंत्री कुछ उस पर बोल रहा है और ना ही सरकार का कोई ऐसा दायित्ववान व्यक्ति जो है उस पीड़ित परिवार के साथ मिलने गया है। और जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी उस पीड़ित परिवार के साथ मिलने जाना चाहते हैं तो उन्हें भी आधे रास्ते के अंदर रोक दिया जाता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष राजीव बिंदल जी और उनके साथ वर्तमान के विधायक भी और पूर्व विधायक भी जब कल मिलने उस पीड़ित परिवार के साथ जाते हैं तो उन्हें रोका जाता है, सैकड़ों के तादाद से वहां पर पुलिसकर्मियों को रोकने आते हैं। ऐसा क्यों हो, स्वयं तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार उस पीड़ित परिवार के साथ नहीं खड़ी है परंतु जो व्यक्ति खड़े हो रहे हैं उन्हें भी रोका जा रहा है। आज हमें समझने की आवश्यकता है कि उस
पीड़ित परिवार का वह सदस्य इस दुनिया से जा चुका है जो परिवार उस व्यक्ति के ऊपर आश्रित था। कैसे उस परिवार का जीवन यापन चलेगा, कैसे उस परिवार को जो है न्याय मिले, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल जो है प्रदेश की जनता आज प्रदेश की कांग्रेस सरकार के साथ कर रही है। सच में ये कुकृत्य हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था, जिसने हिमाचल प्रदेश को इस देवभूमि को जो है आज कलंकित किया। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से ये मांग करता हूँ कि आप गंभीरता दिखाते हुए और संवेदनशीलता दिखाते हुए इस कुकृत्य के ऊपर उचित कार्रवाई करें। नेशनल लेवल की एजेंसी को जो है यहाँ पर NIA की जो मांग उठ रही है उसे आप इसकी कार्रवाई के लिए बुलाएं, क्योंकि उस आरोपी व्यक्ति के ऊपर आज से पहले भी गंभीर आरोप जो है वो लग चुके हैं। करोड़ों रुपए का लेन देन बिना व्यवसाय के उस व्यक्ति के खातों से हो रहा है। डिमोनेटाइजेशन के समय उस व्यक्ति के खाते में करोड़ों रुपए जमा होते हैं। मात्र 3 बीघा भूमि होने के बाद उस व्यक्ति के पास सैकड़ों बीघा भूमि के ऊपर कब्जा किया जाता है। बिना व्यवसाय के जो है करोड़ों रुपए का लेन देन जो है वहां पर हो रहा है। और जब सर्दियों के समय 20-20 फीट बर्फ पड़ जाती है तो उस 20 फीट बर्फ के अंदर भी वह व्यक्ति वहां पर रहता है। इस सारे चीजों के ऊपर वहां के स्थानीय लोग बहुत सारे प्रश्न आज से पहले भी खड़े कर चुके हैं, परंतु आज दिन तक कार्रवाई नहीं हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे जिला के मुख्यालय वहां पर जिलाधीश के माध्यम से प्रदेश के माननीय महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि उचित कार्रवाई हो और जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन का नारा प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने दिया है, अगर सच में ही ऐसा व्यवस्था परिवर्तन हुआ है जो प्रदेश को कलंकित करने का काम कर रहा है तो ये अपने आप में बहुत चिंतनीय है, बहुत निंदनीय है। और मैं भी इस व्यवस्था परिवर्तन की कड़ी शब्दों में जो है निंदा करता हूँ। मुख्यमंत्री को इतना संवेदनहीन नहीं होना चाहिए और संवेदनशीलता के साथ जो है तुरंत से तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से रिपजित निपी की रिपोर्ट।